हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम BHIC 104 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फैक्टर विच लेड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर इन रोमन रिपब्लिक, डिस्कस द पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो इस क्वेश्चन में मुझे पॉलिटिकल स्ट्रगल को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर क्या था, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर ये क्या था इस समय रिपब्लिक, रोमन रिपब्लिक में। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल था। तो पॉलिटिकल स्ट्रगल किन दोनों के बीच, दो एंटिटी थे उन दोनों के बीच पॉलिटिकल स्ट्रगल हो रहा था। एक थे प्लेबियन, प्लेबियंस वो थे जो कॉमनर्स कहलाते हैं, जो आम आदमी थे। दूसरा था पार्टिसियंस, जो एरिस्टोक्रेट थे, जो बुर्जुआ क्लास जिसे बोलते हैं, धनाढ्य वर्ग थे। तो इन दोनों के बीच एक पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल स्ट्रगल हुआ। कि एक्चुअली पॉलिटिकल स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि इक्वलिटी की मांग की गई थी, और इसके तहत क्या हुआ था, फिर नए कॉन्स्टिट्यूशन रोमन रिपब्लिक में नए कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हुआ था। तो आपको इतने सारे पॉइंट्स इसमें लिखने पड़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ रोमन रिपब्लिक, रोमन गणराज्य की राजनीतिक संरचना की व्याख्या करनी है। तो इसे व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आप एक पिरामिड का प्रयोग करेंगे। इस पिरामिड में आप तीन तरीके के जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ऊपर लिख के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और ये तीन तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि सिटीजन का स्ट्रक्चर कैसा था, नॉन सिटीजन का स्ट्रक्चर कैसा था, और इसके बाद गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था। तो जैसे सिटीजन में था तो कुछ हमने पहले क्वेश्चन में भी वो डिस्कस किया था कि कुछ लोग पार्टीशियन थे, कुछ लोग प्लेबिशियंस थे। नॉन सिटीजन में कुछ लोग क्या थे, विमेन और जो भी स्लेवरी दास था, और जो भी महिलाएं थी उनको नॉन सिटीजन में रखा गया था। और जब हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें कुछ काउंसिल्स थे, फिर सीनेट थे और असेंबली थे। तो जब आप इग्नू की बुक को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोल ऑफ प्यूनिक वॉर इन द एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर, जो रोमन साम्राज्य के विस्तार में जो प्यूनिक युद्ध था उसकी क्या भूमिका थी। तो प्यूनिक युद्ध जो था वो आपको रोमन साम्राज्य, और ये रोमन साम्राज्य और आज के ट्यूनिशियन कुछ एम्पायर थे वहाँ के बीच हुई थी। लगभग ये एक सीरीज़ था जो 264 BC से स्टार्ट हुआ और आगे वो चलता रहा, जैसे 146 BC तक ये चला। तो ये आप इस तरीके से आप स्टडी मटेरियल को पढ़ के आप इसका नोट्स बना सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट लेड टू क्राइसिस इन रोमन एम्पायर ड्यूरिंग 3rd century CE, तीसरे शताब्दी ईस्वी के दौरान रोमन साम्राज्य में संकट के कारण क्या हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइज ऑफ सेलेवरी इन रोम, डिस्कस द फैक्टर विच लेड टू ए क्राइसिस इन द स्लेव इकोनॉमी इन द रोमन एम्पायर। तो रोम में दासता का उदय कैसे हुआ, और रोम साम्राज्य में दास अर्थव्यवस्था में संकट कैसे पैदा हुआ, इसकी आपको चर्चा करनी है। वाई वॉज द रोमन वर्ल्ड रेफर्ड टू एज ए सिविलाइजेशन ऑफ बोरिंग। ऐसा कहा जाता है कि रोमन वर्ल्ड को सिविलाइजेशन ऑफ बोरिंग बोला जाता है, यानी कि उधार ली हुई सभ्यता। ऐसा क्यों कहते हैं, ये आपको लिखना है। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर दैट लेड टू पॉलिटिकल एनार्की इन द लेट रोमन एम्पायर। तो लेट रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर बाद में क्या होता है कि दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक की राजधानी तो रोम ही रहती है और दूसरे का कॉन्स्टेंटिनेपल हो जाता है। तो इस एनार्की का क्या कारण था, ये आपको लिखना है।
तो एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप मिलाकर भी तैयार कर सकते हैं, दोनों एक ही नेचर के हैं कि रोमन साम्राज्य के पतन में किन कारकों का योगदान रहा, निम्न वर्गों की स्थिति और दास उत्पादन की, आपको क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ द लोअर क्लास एंड स्लेव्स मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि किस तरीके से लोअर क्लास और स्लेव का के मोड में प्रोडक्शन में चेंज हुआ, ये आपको रोमन साम्राज्य के पर्सपेक्टिव में आपको लिखना है। तो इस तरीके से जब हम आगे देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, तो यहाँ कहता है डिस्कस द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूडलिज्म। तो ये जो आप नाइन्थ क्वेश्चन को अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में आपको लिखना है, वर्ल्ड में भी आपको यूरोप के पर्सपेक्टिव में इसे आंसर करना है। आप इंडियन पर्सपेक्टिव से यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये PHIC 104 आपको वर्ल्ड के हिस्ट्री को इसमें आपको पढ़ना है। तो इसमें कहते हैं कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूडलिज्म, तो फ्यूडलिज्म के क्या स्ट्रक्चर हैं उसको आपकी विवेचना करनी है और सामंतवाद की उत्पत्ति और पतन पे आपको बहस करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। और टेंथ क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है कि सामंतवाद के प्रथम चरण की मुख्य विशेषता क्या थी, तो सामंतवाद क्यों फैला, कैसे फैला और उसकी जो कई स्टेजेस में हुए, तो पहला स्टेज क्या है और उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी वो आपको लिखना है। तो ये नाइन्थ और टेंथ को आप एक साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डिड चेंजेस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ द फ्यूडलिज्म। इससे पहले हमने फर्स्ट फेज के मुख्य विशेषताओं को देखा और अभी ये बोला है सेकेंड फेज का राइज किस तरीके से हुआ उसके बारे में आपको लिखना है। तो सामंतवाद के दूसरे चरण के दौरान अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आए तो उसे समाज के भीतर किस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, यानी किस तरीके से स्तरीकरण हुआ, जैसे कि इस तरीके से पिरामिड के तरीके से होता है कि अगर कहीं भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया तो उसमें कुछ बुर्जुआ क्लास हो गए, कुछ बुर्जुआ क्लास जो नए नए व्यापारी वर्ग हुए, नए नए बिजनेसमैन हुए, उनका किस तरीके से स्लेवरी चला, 8 घंटे 10 घंटे 14 घंटे उससे किस तरीके से काम करवाए गए, इस तरीके से समाज में क्या हो गया कि एक स्तरीकरण आ गया और इस वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जितने भी स्तरीकरण हुए वहीं से मार्क्सवाद का राइज हुआ था। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको यूरोप के पर्सपेक्टिव में लिखना, वो भी सेकेंड फेज ऑफ फ्यूडलिज्म की वजह से समाज में किस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन आया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट वाज द माल्थ्यूजियन थ्योरी। जो माल्थ्यूजियन एक सामाजिक थिंकर थे और इकोनॉमिक भी, उन्होंने ऐसा बोला था कि पॉपुलेशन का ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होगा, तो इस तरीके की उन्होंने एक थ्योरी दी थी। तो आपको यहाँ लिखना है कि माल्थेजियन थ्योरी पॉपुलेशन को लिंक्ड करते हुए आपको बताना है कि इस किस मतलब इसके तहत जो फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन कैसे होगा। तो ये क्या बोलते हैं कि जनसंख्या का माल्थेजियन जो सिद्धांत है वो सामंतवाद के पतन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये आपको इसमें लिखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, ये चेंजेज है, डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल चेंजेज इन एग्रीकल्चर विच इंक्रीज द प्रोडक्शन इन यूरोप। तो ये इसमें आपको ये लिखना है कि कृषि के तकनीकी में कैसा परिवर्तन हुआ जिससे कि यूरोप में कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ गया, वो आपको लिखना है। उसके बाद है ब्रीफ डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ क्रिश्चियन क्लर्जी, जो भी क्रिश्चियन पादरी थे इन मेडिवियल सोसाइटी, तो उसके उनके बारे में ब्रीफ आपको डिस्क्राइब करना है कि क्रिश्चियन क्लर्जी क्या है।
डिस्क्राइब एग्जाम्पल ऑफ एंटी क्लर्जिकल मेडिवियल यूरोप बिफोर द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म से पहले किस तरीके से कि एंटी क्लर्जियम एक तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, जैसे कि पहले क्या था कि समाज में क्लर्जी का महत्व ज़्यादा हुआ करता था, चर्च और क्लर्जी का। तो उसके बाद इसी के विरोध में क्या हुआ था कि प्रोटेस्टेंट नई एक सेक्ट बना था क्रिश्चियन में, तो वो किस तरीके से पादरी के विरोध में एक मुहिम चलाया था वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर हम देखते हैं 15th क्वेश्चन में कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन इन पार्ट ऑफ मेडिवियल यूरोप। तो मेडिवियल यूरोप में आपको कि क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन में आपको वर्णन करना है कि क्या रिलेशन था, इन विच वे द मेडिवल चर्च ट्राइड टू इंश्योर द पॉपुलेशन ओबिडेंस टू क्रिश्चियंस रूल। तो मध्ययुगीन यूरोप के हिस्से में ईसाई और गैर ईसाई के बीच संबंधों का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है कि किस प्रकार मध्ययुगीन चर्च ने ईसाई नियमों और मूल्यों के प्रति जनसंख्या की आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट वाज द नेचर ऑफ ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड। तो आपको मेडिवियल पीरियड में देखना है कि एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड की प्रकृति नेचर कैसा था, हाउ डिड द राइज ऑफ इस्लाम इफेक्ट, और यह इस्लाम इफेक्ट को के राइज को कैसे ये इफेक्ट किया ऑन द ऑसनिक ट्रेड टिल 10th century। तो आपको 10th century यानी कि आपको 901 से 1000 AD तक आपको क्या करना है कि मध्यकाल में एशिया और यूरोप में व्यापार की प्रकृति क्या थी, और 10वीं शताब्दी तक इस्लाम के उदय में समुद्री व्यापार को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपको लिखना। नेक्स्ट है कि गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग नेटवर्क ऑफ अर्मेनियन मर्चेंट। जो अर्मेनियन जो देश है अर्मेनिया, तो वहाँ के जो व्यापारी थे अर्मेनिया, या आपको कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में एक कंट्री था, तो यहाँ के अर्मेनियन जो मर्चेंट थे, तो इनके व्यापारिक नेटवर्क के बारे में आपको ब्रीफली लिखना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट इन एशिया एंड यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड। तो जैसा कि आपको पता है कि ये मेडिवियल पीरियड ये उस समय का पीरियड है जब 1498 में जब वास्को डिगामा ने नए रूट समुद्री रूट का खोज किया था, उससे पहले का बात है ये। और उस समय क्या था कि आपको दिखाना है कि एशिया और मध्ययुगीन काल में के दौरान एशिया और यूरोप में महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है कि स्थल मार्ग कितने थे, जैसे सिल्क रूट थे और भी कई रूट थे, तो उनके बारे में आपको ब्रीफली लिखना। तो नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वेरियस कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय मर्चेंट इन मेडिवियल एशिया एंड यूरोप। तो मध्यकालीन एशिया और यूरोप में व्यापारियों द्वारा अपनाई गई विभिन्न व्यावसायिक प्रथाओं के बारे में आपको लिखना। नेक्स्ट है ब्रीफली मेंशन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिवल एम्पायर ऑफ द मगरिब। तो मगरिब क्या होता है, मगरिब एक प्रेयर है, मगरिब प्रेयर होता है इस्लाम धर्म में, जो सनसेट के बाद जो प्रेयर होता है उसे हम मगरिब बोलते हैं। तो मगरिब के मध्यकालीन साम्राज्य की आर्थिक संरचना का संक्षेप में आपको वर्णन करना।
21 में है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इंका स्टेट। तो इंका स्टेट के डेवलपमेंट को आपको डिस्कस करना है। इंका आज के जो पेरू कंट्री है वहाँ पड़ता है, और उसकी राजधानी कुजको थी एक टाइम में, कुजको केचवा वहाँ की लैंग्वेज थी। तो ये सब आपको डिस्कस करना है एक्चुअली, कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द इंका स्टेट, एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू विच द इंका पॉलिटी एक्सपेंडेड एंड गॉट कंसोलिडेटेड। तो इंका राज्य के विकास की विवेचना करना है आपको, और उस प्रक्रिया की व्याख्या भी करनी है जिसके माध्यम से इंका राज्य का विस्तार हुआ व समेकित हुआ। तो ये आपको अच्छे से देखना। फिर हम देखते हैं कि एजटेक यहाँ सी हो जाएगा, हु वाज एजटेक, व्हाट वाज देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो ये एजटेक जो एम्पायर था वो हम आज के मेक्सिको में एजटेक एम्पायर था। ये लगभग 15th सेंचुरी के आसपास था। तो इसके बारे में आपको लिखना है, और उनकी राजनीतिक ढांचा क्या थी वो भी आपको लिखना। तो राइट ब्रीफली द सेलियंट पॉइंट ऑफ द मक्कन ट्रेड थ्योरी, जो मक्का व्यापार सिद्धांत की मुख्य बिंदुओं को आपको संक्षेप में लिखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट ए नोट ऑन द राइज ऑफ द उमायाद कैलिफेट ड्यूरिंग द सफाइनिड पीरियड। जो भी सफाइनिड पीरियड था इस काल में, उनमा जो ये कैलिफेट थे, उमायाद कैलिफेट, उसके उदय पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके बाद फॉर्म ऑफ स्टेट अंडर द एबासिड, व्हाट वेयर द मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन नेटवर्क ड्यूरिंग एबासिड कैलिफेट। तो एबासिड कैलिफेट के तहत उनकी जो सिंचाई नेटवर्क का उन्होंने मैनेजमेंट प्रबंधन किस तरीके से किया हुआ था, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रेड इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के विकास में व्यापार की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये 26th क्वेश्चन, ये भी आपको करनी है। डिस्कस द नेचर ऑफ अरब ट्रेड विद इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया, जिसका कि अभी एक संगठन भी चलता है जिसे हम आशियान भी कहते हैं, तो वो अब बना है। लेकिन आपको डिस्कस करनी है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ अरब व्यापार की प्रकृति पर आपको चर्चा करनी है। उसके बाद ये कुछ आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन भी होते हैं, तो ये शॉर्ट्स क्वेश्चन आपको देख लेना। तो आप ये अच्छे से सारा कंप्लीट कीजिए, अपने स्टडी मटेरियल से इसका नोट्स बनाइए, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप इसे अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आई श्योर कि आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ओके, फिर मैं आगे भी नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।